केरल लव जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हादिया को इंसाफ और आज़ादी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए हादिया और शफीन की शादी को बहाल कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हादिया और शफीन जहान पति पत्नी की तरह रह सकेंगे। बता दें कि इससे पहले हाई कोर्ट ने दोनों की शादी को शून्य करार दिया था। केरल हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी को रद्द नहीं करना चाहिए था, ये शादी वैध है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हादिया को सपने पूरे करने की पूरी आज़ादी है। शफीन जहान ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि NIA मामले से निकले पहलुओं की जांच कर सकती है। वहीं हादिया के पति की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि किसी को भी अपनी पसंद से चुनना किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार हमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। हाई कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं कि वो हैवियस कॉपर्स की याचिका पर शादी को रद्द कर दे। अगर दो वयस्क अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो कोई तीसरा पक्ष इसमें दखल नहीं दे सकता। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।